बात की शुरुआत करेंगे इंडिया न्यूज के हाथ लगे पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले एक एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ। इंडिया न्यूज के पास पीओके में आतंक के ट्रेनिंग कैंप का एक्सक्लूसिव वीडियो है। इस वीडियो में आतंकी ट्रेनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जैश का कैंप हो सकता है, ये कैंप एलओसी के पास है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वीडियो में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पीओके का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर ये जैश के आतंकी ट्रेनिंग कैंप है, ये जहां पर किस तरीके से आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। ये बड़ा सबूत इंडिया न्यूज के हाथ एक्सक्लूसिव वीडियो लगा है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से यहां पर आतंकियों को दहशत गर्द बनाने का जो सिलसिला है वो जारी है, दहशत किस तरह से फैलाई जाए, ये यहां न्यूज के हाथ एक्सक्लूसिव वीडियो लगा है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से यहां पर आतंकियों को दहशत गर्द बनाने का जो सिलसिला है वो जारी है, दहशत किस तरह से फैलाई जाए, ये यहां इन्हें सिखाया जा रहा है। तो लगातार पाकिस्तान खुद को आतंक से अलग करने की एक नाकाम कोशिश करता रहा हो, हर बार नकारता रहा हो, लेकिन इस तरह के वीडियोस लगातार आते हैं। और एक और वीडियो जो कि एक्सक्लूसिवली आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तान इन आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है, किस तरह से वहां पर आतंकी अपने आप को महफूज और सुरक्षित महसूस करते हैं और वहां दहशत फैलाने की जो एक नापाक ट्रेनिंग है वो यहां पर दी जाती है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से आग का एक गोला है वो बनाया हुआ है और उसमें से कूदने की ट्रेनिंग इन्हें दी जा रही है इस तरह से, और पूरा ट्रेनिंग कैंप यहां पर चलाया जाता है। पहले भी कई वीडियोस इस तरह के सामने आ चुके हैं और एक और वीडियो जो कि दर्शाता है, जो दिखा रहा है कि पाकिस्तान में आतंकी किस तरह से खुद को ट्रेन करके फिर दहशत फैलाने का काम करते हैं। तो कितनी सुरक्षित है पाकिस्तान की सरजमी इन लोगों के लिए, इन आतंकियों के लिए, किस तरह की सुविधाएं वहां पर इन्हें दी जाती हैं, ये वीडियो कहीं ना कहीं इस बात को साफ कर रहा है। पाक सेना सीधे तौर पर इसमें मदद करती है आतंकी कैंप चलाने में, आतंकी कैंप ट्रेनिंग कैंप का ये वीडियो जहां पर लोगों को पहले बरगलाया जाता है, फिर उन्हें आतंकी बनाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, फिर पाक सेना पहले सीज फायर का उल्लंघन करती है, उसके बाद इन आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती है। हमारे साथ इस वीडियो के बाद और अपडेट के लिए रुक करते हैं, हमारे साथ अजय जांडियाल सीधा जुड़े हुए हैं। अजय, पहले भी इस तरह के कई वीडियो आ चुके हैं लेकिन ये वीडियो एक बार फिर से इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान सुरक्षित है इन आतंक के नुमाइंदों के लिए, वहां पर किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है इन आतंकियों को। बिल्कुल आपने सही कहा, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में खासतौर पर एलओसी के ठीक पास इस तरह के आतंकी ठिकाने हैं और उन आतंकी ठिकानों में पाकिस्तानी सेना की सरबराई में इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। आप देखेंगे किस तरह से बड़े प्लान तरीके से इन आतंकी कैंप्स को एस्टैब्लिश किया गया है इन पेड़ों के, घने पेड़ों के बीच में, और वहां पीछे अगर आप देखेंगे इस वीडियो में जो आग के गोले बनाए गए हैं उसके आग में कूदने जैसी जो स्टंट्स हैं वो सब करवाए जाते हैं ताकि यहां पर जब भी वो आए और उसके बाद सुरक्षा बलों के साथ उनका अगर सामना हो तो वो वहां कड़ी टक्कर दे सके। मगर हालांकि ये इनकी जो मंसूबे हैं उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं, मगर ये साफ एक बार फिर से पाकिस्तान को एक्सपोज करता है कि पाकिस्तान में बड़े जो है पैमाने पर सुरक्षा बलों द्वारा पाकिस्तानी जो आर्मी है, पाकिस्तानी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इन आतंकियों को ट्रेनिंग दिलवाती है, उन्हीं की सरबराई में ये वहां पर आतंकवाद पनप रहा है। आप देखेंगे इस वीडियो में ठीक आतंकी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके पीछे जो है कुछ बैरक्स भी दिख रही हैं और ये माना जा रहा है कि ये बैरक कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आतंकी जो सेना है उन्हीं की हो सकती है और उन्हीं के साथ रहकर ये लोग अपनी ट्रेनिंग पाते हैं, आतंकी ट्रेनिंग पाते हैं और उसके बाद ये जब इनको मौका मिलता है और यही पाकिस्तानी सेना फिर गोलीबारी करके एलओसी पर भारतीय जवानों, भारतीय चौकियों और सिविलियंस को निशाना बनाती है ताकि उस गोलीबारी की आड़ में इन आतंकियों को घुसपैठ कराई जाए। आपको बताऊं सुरक्षा बलों को तो ये भी जानकारी है कि जो आतंकियों की तादाद एलओसी के पार बहुत ज्यादा हो चुकी है उनको घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है उसने भी पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजरों को लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी पर निर्देश दिए हैं कि वो इन आतंकियों को घुसपैठ करने के लिए मदद करें। अजय, और क्या जानकारी इस वीडियो को लेकर मिली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एलओसी के नजदीक यह आतंकी ट्रेनिंग कैंप है जो कि वहां पर चलाया जा रहा है, जैश का नाम सामने आ रहा है, क्या कुछ फिलहाल जानकारी है इसके बारे में?
देखिए बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना द्वारा जब पिछले 4-5 साल पहले जैश ए मोहम्मद का जम्मू कश्मीर से नाम मिटा दिया गया था, मगर अब एकाएक देखा जा रहा है कि जैश एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। लगातार पिछले जो अटैक्स हुए हैं, चाहे वो सुंजमा आर्मी अटैक हो, नगरोटा हो, या इसके अलावा जो कश्मीर में अटैक हुए हैं, वहां पर जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है। जो खुफिया सूत्रों से जानकारियां जो एजेंसियों को मिली है उसके मुताबिक जैश ए मोहम्मद को एक बार फिर से एक्टिव किया गया है ताकि इन आतंकियों को जो है जो सीधे तौर पर जो जम्मू कश्मीर में या देश में सुरक्षा बलों के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाने के लिए एक्टिव किया गया है। जैश जो है वो माना जाना जाता है खासतौर पर फिदायन हमलों के लिए, और इन आतंकियों को इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा कवच जो है उसको भेदने के ये प्रयास कर सके। मगर सुरक्षा बलों ने भी पूरी जो है बंदोबस्त इन आतंकियों के करके रखे हुए हैं ताकि मौका आने पर इनको कहीं ना कहीं मार गिराया जा सके। आपको बता दूं, इस वीडियो की बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल का ये वीडियो है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। ये जो पूरा टेरेन दिख रहा है ये पूरा पाइन ट्री से भरा हुआ है, जो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एलओसी के ठीक सामने का ये इलाका है, और इसी इलाके में आतंकियों के कई ट्रेनिंग कैंप है। आर्मी चीफ और सुरक्षा बलों की बात की जाए तो कई बार वो बता चुके हैं कि पाकिस्तान बेशक अपने बयानों में जो भी कहे कि पाकिस्तान कभी आतंकियों को पनाह नहीं देता, मगर सच्चाई यही है कि एलओसी के ठीक दूसरी तरफ आतंकियों के कई ठिकाने हैं और वहीं पर इन आतंकियों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है, इनको रखा जाता है। बिल्कुल अजय, इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और ये वीडियो लगातार ये दिखा रहा है कि कितनी नापाक हरकतें वहां पर होती है। हमारे साथ इस वक्त राज कादियान डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। राज कादियान जी, वीडियो देखने के बाद जिस तरीके से लगातार खुद को पाक साफ बताता रहा है पाकिस्तान, कितना नापाक है, किस तरह की हरकतें बॉर्डर के उस पार होती हैं, ये साफ दर्शा रहा है। वास्तविकता ये है कि पाकिस्तान टेररिज्म को अपनी स्टेट पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट बना के आगे चल रहा है। उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, ट्रेनिंग तो उसी का हिस्सा है, उसमें फंडिंग भी शामिल है, आर्मिंग भी शामिल है, रिक्रूटमेंट भी शामिल है, मोटिवेशन भी शामिल है, और फिर ये सब तैयारी करने के बाद उनको घुसपैठ कराते हैं। घुसपैठ को आसान करने के लिए, जैसा आपके पैनलिस्ट ने भी कहा, एलओसी पर फायरिंग की जाती है ताकि उस कंफ्यूजन में कुछ घुसपैठी आ सके। सेनाओं ने बहुत सारे आतंकवादी पिछले साल 200 से ज्यादा मारे हैं, लेकिन जब तक ये स्रोत बंद नहीं होगा ये समस्या चलती रहेगी। हमारे सैनिक भी शहीद होते रहेंगे, आतंकवादी भी मरते रहेंगे, लेकिन जिहादी तो उनको मुफ्त में मिल जाते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के आजकल रेडिकलाइजेशन हुई है, जिहादियों की कमी नहीं है वहां पर, और जब तक हाफिज सईद जैसे लोग फ्री घूमते रहेंगे, भारत के खिलाफ जहर उगलते रहेंगे। अभी जब दुनिया ने बंदिश लगाई कि भी आप टेरर को फंडिंग कर रहे हो, तो उन्होंने उसको पॉलिटिकल जामा पहना दिया कि पॉलिटिकल पार्टी तो फिर डोनेशन ले सकती है। तो दूसरे तरीके से वो दुनिया का भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक कामयाब होंगे, कब तक इकोनॉमिक सैंक्शन से बचे रहेंगे वो समय बताएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि पाकिस्तान जब तक अपनी पॉलिसी में बदलाव नहीं आएगा, और वो जब ही लाएगा जब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बहाल होगी, आज के दिन है तक। बिल्कुल, और हमेशा पाकिस्तान ने मुंह की खाई है, अगर नहीं सुधरा तो आगे भी खानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका राज कादियान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ इस वक्त सुमित चौधरी हमारे संवाददाता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, लगातार भारत की तरफ से कोशिश हुई है कि कड़ा जवाब दिया जाए, दिया भी है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे बातचीत को लेकर हो। ये वीडियो एक बार फिर से एक बहुत बड़ा सबूत है कि आखिर कैसे आतंक को पाल रहा है पाकिस्तान। सरकार अब इसे किस तरीके से देखेगी, क्या अगला कदम हो सकता है इस वीडियो के सामने आने के बाद? देखिए, इस तरीके के इनपुट लगातार, सुजवान जब अटैक हुआ था आर्मी कैंप के ऊपर, उसके बाद कई बार ये इनपुट आए, क्योंकि ये कहा गया कि खासतौर पर जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है या फिर जो दूसरे इलाके हैं वहां पर करीबन 180 से 200 टेररिस्ट ऐसे हैं जो लगातार इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, और ये इस तरीके से बर्फ पिघली और जो समर्स आ रहे हैं उसके बाद भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये ट्रेनिंग कैंप इस बात का सबूत, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कैसे ट्रेनिंग देने के बाद इनको इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश की जाए या फिर घुसपैठ कराने की कोशिश की जाए, ये सभी उसी की स्ट्रैटेजी का सबूत है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका सुमित, तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए हम तक। तो एक बड़ा सबूत है ये, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं आतंकी ट्रेनिंग कैंप की, पीओके का ये वीडियो है जो इंडिया न्यूज के हाथ लगा है, और एक बहुत बड़ा सबूत एक बार फिर से कि पाकिस्तान में इस तरह की नापाक हरकत होती है, दहशतगर्दों को ट्रेन किया जाता है। बड़ी खबर पर लगातार नजर रहेगी, और भी खबरें होंगी, फिलहाल रुक रहे ब्रेक के लिए।